Students, now we are going to do another exercise of multiple linear regression in SPSS software. In previous module, we did the exercise with enter method. Now we are going to do the perform analysis with the stepwise method. Students, I have opened the file of SPSS. Here we are going to the tab of regression, and after clicking it, we are going to the linear regression. And in linear regression, I have asked the SPSS to take the same variables but just change the method doing the analysis. Now I'm doing the analysis with stepwise method. तो स्टेप वाइज मेथड में क्या होगा, एक से ज़्यादा जो है आपकी रिग्रेशन इक्वेशंस बनेंगी और मॉडल्स बनेंगे, और इसमें से जो स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर्स होंगे वो स्टेप वाइज जो है वो पहले नंबर पे आएंगे, और जो लीस्ट स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर होगा वो जो है एंड पे आएगा, और जो वेरिएबल प्रेडिक्ट नहीं कर रहा डिपेंडेंट वेरिएबल को, वो मॉडल से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाएगा जो कि एंटर मेथड में नहीं था. तो स्टैटिस्टिक्स हम यही लेंगे, इसके साथ हम आर स्क्वायर्ड चेंज भी ले लेंगे, और हम यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव्स भी ले लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, प्लॉट्स भी हमारे वही रहेंगे, और हम इसको ओके कर देते हैं. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पहले हम कोलिनैरिटी देख लेते हैं. कोलिनैरिटी में हम देखते हैं कि हमारे जो वेरिएबल्स हैं आईवीज, तो वो सारे जो हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कि 0.80 लेवल का हो, तो इस इंडिकेटर के ऊपर तो मल्टीकोलिनैरिटी नहीं है. अब यहाँ पे देखें आपके पास कितने मॉडल्स बने हैं, 5 मॉडल्स बने जो कि स्टेप वाइज में यही होता है कि रिग्रेशन इक्वेशंस जो हैं वो ज़्यादा बनती हैं by adding one by one the variables, independent variables. ये देखें, ये आपका उसने पहला predictor बताया कि constant के साथ self expression है, दूसरे में self expression के साथ making new social ties है, तीसरे में self expression new social ties seeking and sharing information, और उसके बाद self expression make new social ties seeking and sharing information के साथ मेंटेन एग्जिस्टिंग सोशल टाइज, और आखिरी जो है मॉडल उसमें जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर भी एडेड है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा ऑफलाइन बॉन्डिंग सोशल कैपिटल ही है. तो इसमें ऑटोमेटिकली हमें पता चल गया जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्टर है वो सेल्फ एक्सप्रेशन है, और सबसे जो लीस्ट प्रेडिक्ट कर रहा है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर है. अब इसके साथ ये आर स्क्वायर भी दे रहा है कि जो आपका फर्स्ट वेरिएबल है वो 2% जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को. उसके बाद यहाँ पे आर स्क्वायर चेंज से आपको पता चल जाता है कि 3% 1%, और ये जो 4-5 है ये तो लेस देन 1% जो है आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं डिपेंडेंट वेरिएबल को. तो एक्चुअली तो जो मेन प्रेडिक्टर है वो आपका सेल्फ एक्सप्रेशन ही है जो कि 10% एक्सप्लेन कर रहा है. मॉडल्स में देखें तो ये तमाम जो इक्वेशंस बनी ये थ्योरेटिकली इनके नोवा सिग्निफिकेंट है, और अगर हम कॉफिशेंट्स में जाएं तो ये देखें आपके पास सेल्फ एक्सप्रेशन का कॉफिशेंट 0.498 है, स्टैंडर्डाइज करके ये 0.321 हो गया, मगर जैसे ही हमने दूसरा वेरिएबल ऐड किया सेल्फ एक्सप्रेशन तो के साथ मेकिंग न्यू सोशल टाइज, तो हमारा स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट कम हो गया. जब तीसरा ऐड किया तो फिर उससे ज़्यादा भी कम हो गया, और चौथा ऐड किया तो हमें ये पता चला कि और कम हो गया, और पांचवे में जो है हमें ये नज़र आ रहा है कि ये उससे भी कम हो गया. तो इससे क्या होता है कि आपको एग्जैक्ट पता चलता है स्टेप वाइज मेथड से कि आपका एक्चुअल प्रेडिक्टर जो है वो कौन सा है, और जब दूसरे वेरिएबल्स ऐड होते हैं तो एक्चुअल प्रेडिक्टर पे कितना असर पड़ रहा है. यानी एक्चुअली तो मॉडल वन में जो हम कह रहे थे बीटा 0.321 है, वो एक्चुअल वो 0.174 है, तो और बाकी जो है ये उसके वेरिएबल्स उसको एक्सप्लेन कर रहे थे.
VIF की बात कर लें, टॉलरेंस की, वो वैल्यूज़ ओके हैं, VIF की भी वैल्यू ओके है। और इसके साथ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा मॉडल जो है रिग्रेशन इक्वेशन में वो सिग्निफिकेंट है, और ये 16.3% वेरियंस एक्सप्लेन करता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, इन विच सेल्फ एक्सप्रेशन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रेडिक्टर इन एक्सप्लेनिंग द बॉन्डिंग सोशल कैपिटल ऑफ द यूथ।